प्राण आगे सागर तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उपस्थित सभी प्यारे बच्चों उपासक उपासिकाएं, आज का जो कार्यक्रम हमारे पटगंज क्षेत्र भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से हुआ है उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और जिस भी संस्था ने इसमें भाग लिया है उनका सभी का धन्यवाद। मैं तो बस एक छोटी सी एक मिनट की बात कहना चाहता हूँ कि आप सभी को, चूंकि बाबा साहब के बारे में चर्चा सभी ने कर दी है, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको हिंदू धर्म को त्यागना है। यदि आपने देवी देवता पूजने बंद नहीं किए तो आपका भला ही नहीं होने वाला है। उसी के मंदिर आपके साथ ऐसी जड़ लग गई है कि वो जल्द से मिटने वाले नहीं है। बाबा साहब ने ब्राह्मण का विरोध नहीं किया, बाबा साहब ने ब्राह्मणवाद का विरोध किया है, क्योंकि ब्राह्मणवाद एक ऐसी संस्था है जहाँ नहीं न तो उसका धर्म है और न उसकी जाति है, सब एक योजनाबद्ध तरीके से पढ़े लिखे समाज को पागल बनाना है। पागल क्यों बनाना है? जब आपका बच्चा पैदा होगा तो ब्राह्मण, आपका बच्चा पढ़ने जाएगा तो ब्राह्मण, आपके विवाह शादी होंगे तो ब्राह्मण, आपका लगन जाएगा तो ब्राह्मण, आपका ब्याह की चीज जाएगी तो ब्राह्मण, आप मकान की नींव रखोगे तो ब्राह्मण, मकान तोड़ोगे तो ब्राह्मण, शादी विवाह करोगे तो ब्राह्मण, किसी के साथ अपना किसी काम के लिए जाओगे दिन देखो तो ब्राह्मण, मर जाओगे तो ब्राह्मण, जी जाओगे तो ब्राह्मण, दिन तेरवी करनी तो ब्राह्मण, तीजा करना तो ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मणवाद ने आपको इतना पागल बना दिया है जिससे आपको इससे छुटकारा नहीं मिला आराम से। सबसे पहली बात, यदि आपने ब्राह्मणवाद को नहीं त्यागा, इस पूजा पाठ को नहीं त्यागा, क्योंकि हिंदुओं के तो इतने देवता हैं जिनको आप शायद गिन भी नहीं सकते, एक की पूजा कर दोगे दूसरे रुक जाएंगे, दूसरा की पूजा तीसरे रुष्ट हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले बाबा साहब ने जो मार्ग बताया है, भगवान बुद्ध का जो मार्ग बताया है, भगवान बुद्ध का प्रकाशमय मार्ग है, प्रकाश देने वाला मार्ग है, उजाले में रखने वाला मार्ग है। क्योंकि बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म पढ़ाया, बाबा साहब ने खुद कहा है कि हिंदू धर्म मेरी बुद्धि को जचता नहीं, स्वाभिमान को भाता नहीं, मनुष्य धर्म के लिए नहीं कि धर्म मनुष्य के लिए है। जो धर्म तुम्हें पग पर ठोकर देता है उस धर्म में तुम क्यों रहते हो, जो धर्म तुम्हें पानी तक नहीं मिलने देता है उस धर्म में तुम क्यों रहते हो, जो धर्म तुम्हारी नौकरी में बाधक बनता है उस धर्म में तुम क्यों रहते हो, जो धर्म तुम्हें शिक्षा तक नहीं मिलने देता है उस धर्म में तुम क्यों रहते हो। जब बाबा साहब ने आपको इतने बड़े बड़े अधिकार दिए हैं, ऐसे संविधान बनाया है, मौलिक अधिकार दिए हैं, सामाजिक अधिकार दिए हैं, आर्थिक अधिकार दिए हैं, नैतिक अधिकार दिए हैं, जब बाबा साहब ने आपको पूरी तरह छूट दे दी है अपने उसके लिए, तो आप किससे घबराना है? आपको घबराना नहीं चाहिए। बाबा साहब तो इकले लड़ाई लड़ने वाले थे इस संसार के अंदर, देश के लिए, इस पूरे संसार में बाबा के लिए इकले लड़ाई लड़े। बाबा साहब जवाहरलाल जब इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे तो जब उन्होंने उसके आलोचना, बाबा साहब, हालांकि बाबा साहब जवाहरलाल नेहरू उनको बहुत पसंद करते थे, लेकिन जब सरकार जवाहरलाल की थी तो उसको अपनी पार्टी की बात कहनी पड़ती थी। बाबा साहब को जवाहरलाल ने कहा था ही इज द ज्वेल ऑफ माय कैबिनेट, के बाबा साहब मेरी कैबिनेट के हीरो हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं, इनका शासन देश में चल रहा है और बाबा साहब को इतने बड़े पद से आगा गया है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। एक बार बाबा साहब छोटी एक बात और बोल दे तो दो मिनट की बात है बस, बाबा साहब एक बार लखनऊ में दिल्ली फेडरेशन की मीटिंग हो रही थी, तो बाबा ये करीब 15 अगस्त 1948 की बात है, बाबा साहब ने सिर्फ एक बात बोली थी कि जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू पटेल का शासन देश पर चलता है, यदि हमारे दलित लोग इकट्ठे हो जाएं तो हम भी देश पर अपना शासन करते हैं। तो उस टाइम क्या चर्चा की, पटेल ने क्या कहा और कांग्रेस पार्टी कैबिनेट ने क्या कहा कि जिस तरह हम इस देश में शासन कर रहे हैं इससे हमें अधिकार है, हमें त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि इस कैबिनेट का मिनिस्टर इतनी बात कहता है कि यदि हमारा शासन, यदि हम सभी लोग इकट्ठे हो जाएं तो इस देश पर हम भी अपना शासन करते हैं। बाबा साहब ने गलत बात तो नहीं की थी, लेकिन कैबिनेट का मंत्री होने के नाते बाबा साहब ने इतनी बात, चूंकि कैबिनेट का कोई मंत्री अपने शासन की आलोचना नहीं करता, सिर्फ बाबा साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस कैबिनेट की आलोचना की थी। इसी के साथ मैं बड़े को एक वर्ड भर देता हूँ, मंजिलें मिली जाती है भटकते ही सही, भटकते वो है जो घर से निकलते ही नहीं। एक काम ऐसा करो, एक कदम ऐसा चलो, पहचान बन जाए काम, एक कदम ऐसा चलो निशान बन जाए, एक काम ऐसा करो पहचान बन जाए,
जिंदगी तो सभी जी लेते हैं मगर ऐसे जियो कि जिंदगी में एक पहचान बन जाए। जय भी उन्होंने।